देवास्था सीक्रेट्स के सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हम फिर हाजिर हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो आइए चलते हैं एक और धार्मिक, पौराणिक और आध्यात्मिक महत्ता से जुड़े स्थान के सफ़र पर, जिसके बारे में जानकर निश्चित ही आपको आनंद होगा। आज हम जानेंगे कर्नाटक में स्थित विरूपाक्ष मंदिर के बारे में। विरूपाक्ष मंदिर बेंगलुरु से 350 किलोमीटर की दूरी पर हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ये मंदिर हम्पी के ऐतिहासिक स्मारकों के समूह का एक मुख्य हिस्सा है। इस मंदिर का नाम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ये मंदिर भगवान विरूपाक्ष और उनकी पत्नी देवी पंपा को समर्पित है। विरूपाक्ष भगवान शंकर का ही एक रूप है। इस मंदिर के पास कई छोटे छोटे और मंदिर हैं जो कि अन्य देवी देवताओं को समर्पित हैं। ये मंदिर पंपावती मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। इस पवित्र स्थान में एक मुख्य मंडप है जिसमें तीन कक्ष और स्तंभों के साथ एक विशाल कक्ष है। विरूपाक्ष मंदिर को देखने पर पर्यटकों को पता चलेगा कि यह मंदिर 7वीं सदी का है और इस पर की गई नक्काशियाँ 9वीं व 11वीं सदी की हैं। तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर हेमकूट पहाड़ी की तलहटी पर बने इस मंदिर का गोपुरम 50 मीटर ऊंचा है। भगवान शिवजी के अलावा इस मंदिर में भुवनेश्वरी और पंपा की मूर्तियां भी बनी हुई हैं। विरूपाक्ष मंदिर विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोकमा देवी द्वारा बनवाया गया था। ये मंदिर द्रविड़ स्थापत्य शैली में ईंट तथा चूने से बनाया गया है। माना जाता है हम्पी ही रामायण काल का किष्किंधा है। यहाँ भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप की पूजा की जाती है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग की कहानी रावण और भगवान शिव से जुड़ी हुई है। इस मंदिर की मुख्य विशेषता यहाँ का शिवलिंग है जो दक्षिण की ओर झुका हुआ है। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने इस जगह को अपने रहने के लिए कुछ अधिक ही बड़ा समझा और वो अपने घर वापस लौट गए। विरूपाक्ष मंदिर में भूमिगत शिव मंदिर भी है जिसका बड़ा हिस्सा पानी के अंदर समाहित है और वहाँ कोई नहीं जा सकता। बाहर के हिस्से के मुकाबले मंदिर के इस हिस्से का तापमान बहुत कम रहता है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर अपनी वास्तुकला और समृद्ध इतिहास के साथ साथ मंदिर में मनाए जाने वाले उत्सवों के लिए भी प्रसिद्ध है, जिन्हें बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। विरूपाक्ष मंदिर में मनाए जाने वाले उत्सव की बात करें तो रथ महोत्सव और शिवरात्रि इनमें सबसे मुख्य हैं। विरूपाक्ष मंदिर में मार्च या अप्रैल के महीने में आयोजित होने वाला रथ महोत्सव विरूपाक्ष मंदिर का प्रमुख उत्सव और समारोह है, जिसे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बता दें, इस उत्सव में भगवान विरूपाक्ष की एक मूर्ति को फूलों और दीपकों से सजाए गए एक सुंदर लकड़ी के रथ पर विराजमान किया जाता है और विशाल जुलूस के साथ साथ रथ यात्रा निकाली जाती है। जुलूस में गाए जाने वाले गीत और मंत्रों को भगवान विरूपाक्ष की देवी पंपा से शादी के उत्सव का प्रतीक माना जाता है। शिवरात्रि महोत्सव विरूपाक्ष मंदिर में आयोजित होने वाला एक और प्रसिद्ध उत्सव है, जिसे भगवान शिव के जन्मोत्सव के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें देश के विभिन्न कोनों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक शामिल होते हैं। बता दें, ये उत्सव आमतौर पर फरवरी या मार्च के महीने में पड़ता है। विरूपाक्ष मंदिर भक्तों के लिए सुबह 9 बजे से 1 बजे और शाम को 5 बजे से रात 9 बजे तक खुलता है। तो ये थी विरूपाक्ष मंदिर से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और अपनी राय हमें अवश्य दें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए देवास्ता सीक्रेट्स। नमस्कार।